डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 67 टू द पावर 25 माइनस 1 मस्ट बी। ओके, तो इस नंबर की यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगी ये हमें कंप्यूट करनी है। तो पहले हम कंप्यूट कर लेते हैं 67 टू द पावर 25 की यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक साइन यूज करेंगे कॉन्क्रेंट का और ये साइन होगा फॉर यूनिट प्लेस के लिए। तो ये नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो सेम होगा 7 टू द पावर 24 5 के, बिकॉज जो बेस पर जो नंबर है उसकी यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है 7, तो ये इसके इक्वल। अब हमें बेसिकली इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हम देखते हैं कि 7 टू द पावर 4 जो है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2401 और इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है 1। ठीक, तो क्या करेंगे दोनों साइड हम पावर ले लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 4 टू द होल पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 6। ओके, 6 4 24, सो दिस इज 7 टू द पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, यानी इस नंबर की जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा वो आएगा 1। ठीक, इसका यहाँ यूज करेंगे हम, तो 7 टू द पावर 25 इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 24 इनटू 7 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 24 की यूनिट प्लेस पर नंबर है 1, सो दिस इज 1 इनटू 7 वन जो 7, सो दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि इस पूरे डिजिट की जो यूनिट प्लेस पर उस पर नंबर कौन सा आ जाएगा बेसिकली 7। ठीक है, लेकिन हमें कंप्यूट करना है नंबर 67 टू द पावर 25 माइनस 1 पर। ठीक है, और इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस पर तो हमने कंप्यूट किया था, आया था 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, यानी इस पूरे डिजिट पर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी वो आएगी 6, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।